हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है आप सभी के नेट के लिए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल 300 पोस्ट के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी है, टोटली गवर्नमेंट जॉब से, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वनली ITI पास। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल ITI पास वनली अप्लाई कर सकता है और कोई भी क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है, ना ही 10th पास, ना ही 12th, ना ही डिप्लोमा और ना ही BTech। ओनली ITI पास वालों के लिए टोटल 300 वैकेंसीज है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है यार। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में लोग जाना चाहते हैं। सैलरी आपकी 24,800 लमसम्स होने वाली है। अलग अलग फेज में होगी, तीन फेज में, और तीनों फेज की डिस्कस में यहाँ पर डिटेल वाइज में डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा, एक अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं। इससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी ITI पास आउट कैंडिडेट हैं यार, अपना ट्रेड जरूर कमेंट करके बताएं, आपका जो भी ट्रेड है कमेंट करो, और आपको किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए, खास करके प्राइवेट डिपार्टमेंट का नाम लेना, क्योंकि वीडियो प्राइवेट डिपार्टमेंट में मैक्सिमम बनने वाली है। गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो वो तो बनती है। ओके, तो जल्दी ITI बच्चों अपना ट्रेड जरूर कमेंट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वैकेंसीज नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। CSL ये वैकेंसी है जो कि वर्कमैन की पोस्ट पर निकाली गई है, और 11 जुलाई 2023 ये नोटिफिकेशन लेकिन रिलीज हुई है आज की डेट में। वैकेंसी देखो, इसकी ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, टोटली ऑनलाइन बेसिस पे ये वैकेंसीज है। A to Z में बताऊंगा, सबसे पहले किस पोस्ट के लिए यानी कि कौन से ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाली है क्वालिफिकेशंस एंड मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीट मेटल वर्कर। सीट मेटल वर्कर की जो वैकेंसी है SSC, मतलब 10th पास अप्लाई, 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए। ITI में NTC जो बोलता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, सिंपल सा याद रखो, ITI होनी चाहिए। और सीट मेटल वर्कर या फिर फिटर, यहाँ पर सीट मेटल वर्कर या फिर फिटर के ट्रेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर की मैं बानू, इससे पहले मैं वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसी कितनी है, फिर क्वालिफिकेशंस पे आते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से मेमोरेबल हो जाएगी, याद रह जाएगा। वैकेंसी देखो, सीट मेटल वर्कर के लिए टोटल 21 पोस्ट पर वैकेंसी है, 21, वेल्डर के लिए टोटल 34 पर वैकेंसीज है। उसके बाद वैकेंसीज कुछ है आउटफिट असिस्टेंट के लिए, ये आपका था फेब्रिकेशन असिस्टेंट आउटफिट में। टोटल फिटर की वैकेंसी है 88 पोस्ट पर, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है फिटर के लिए। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल, उसके लिए 19 पोस्ट पर है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5 है। प्लम्बर के लिए टोटल 21 पोस्ट पर है। पेंटर के लिए टोटल 12 है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 42 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी वैकेंसी अच्छी है 88। फिटर के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन की है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 19 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 34 है, और स्वीप रेडवुड के लिए इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। ओवरऑल देखो कि टोटल 300 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया वालों के लिए सरकारी नौकरी की ये वैकेंसीज है। तो सरकारी नौकरी, बट ये इस तरह से एक ट्रब प्रोजेक्ट बेस पे कॉन्ट्रैक्ट चलने वाली है, जो कि क्या होगी मैं डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस की, जो मैंने बात कर रहा था सीट मेटल वर्कर की, तो ITI होनी चाहिए सीट मेटल वर्कर या फिर फिटर में, प्लस 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है वेल्डर की, वेल्डर में भी 10th पास प्लस ITI चलेगा वेल्डर ट्रेड में, या फिर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर जनरल और गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी मोस्टली 3 ईयर की एक्सपीरियंस डिमांड की गई है। उसके बाद आ जाते हैं आउटफिट में, यहाँ पर फिटर की वैकेंसी से, तो फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ITI वालों के लिए मैकेनिक डीजल है। फिर आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए रिक्रूटमेंट है। प्लम्बर की वैकेंसी में ITI पास आउट चाहिए। पेंटर है तो पेंटर की वैकेंसी ITI चाहिए। इलेक्ट्रिशियन है ITI में इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद कुछ वैकेंसी रिलीज की गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यहाँ पर ITI चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और स्वीप रेड वुड में स्वीप रेड वुड एंड कारपेंटर, यानी कि इसमें कारपेंटर के भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अब जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर ITI की, सब में मोस्टली और मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ध्यान रखना। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, यही एक कंफ्यूजन वाला चीज़ है। अब जिसके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है, वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 300 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है, इसीलिए कहीं पर भी वैकेंसी जाती है जहाँ पर 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकलती है गाइस,
ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं। इसके पास आपका क्या होगा, उसके लिए अप्लाई करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगी और एक्सपीरियंस बेस में परमानेंट जॉब्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट तरह की ही जॉब बहुत निकाली जाती है। जैसे ये भी वैकेंसी एक तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल 2 साल नहीं, पूरे के पूरे 3 साल है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कभी भी आपको बाहर नहीं निकालेगी। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जैसे आपकी परमानेंट जॉब होती है उसी तरह धीरे धीरे करके ये परमानेंट करने की क्षमता की ओर बढ़ जाती है। हालांकि जल्दी परमानेंट नहीं करती है, बट जैसे 3 साल इंक्रीजमेंट, फिर से 2 साल इंक्रीजमेंट, फिर से 1 साल, इस तरह करके लगते रहता है, तो आराम से आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, निकाली नहीं जाओगे आप अभी। ओके, कैटेगरीज में कैसे अप्लाई करना है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो से आप देख सकते हैं। सैलरीज की मैं बात करूं जो कि पीरियड के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 साल की डिस्कस की, तो 3 साल का जिक्र है। फर्स्ट ईयर में आपको 23,300 मिलेगी, सेकंड ईयर में आपको 24,000 मिलेगी, थर्ड ईयर में आपको 24,800 मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलेगी, जैसे 4,900 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में आपको 5,000 मिलेगी और थर्ड ईयर में आपको 5,100 मिलेगी। ये आपका मंथली है, ध्यान रखना, घंटे के हिसाब से नहीं। एज की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी, ध्यान रखना 9 जुलाई 1993 के बाद का ही बॉर्न होना चाहिए। देखिए बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी एसटी से वालों को, 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। देखो इसमें सिलेक्शन आपका जो होगा वो रिटर्न टेस्ट के माध्यम से होगा। यहाँ पर टोटल 2 फेज़ में आपकी एग्ज़ाम चली जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में पॉजिटिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, फेज़ 2 होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो 70 मार्क्स का होगा। आउट ऑफ टोटली 100 मार्क्स में आपको क्वालिफाई करना होगा और ऑब्जेक्टिव के लिए 35 मिनट टाइम मिलेगी, 30 जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है पार्ट ए, 10 मार्क्स एंट्री वगैरह आपकी पूछी जाएगी, पार्ट बी में 20 मार्क्स होगा। इसके लिए आपको अलग अलग से टाइमिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है गाइस। तो जिसे आप सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सब कुछ डिस्कस किया गया, आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस मैं बता चुका हूँ, आपके पास जो इतने भी ITI की डिग्री होनी चाहिए, NCVT SCVT, और एक्सपीरियंस भी 28 जुलाई 2023 से पहले आपके पास हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आपको इंक्लूड करना होगा। इसीलिए एक बार मैं बोलता हूँ सब कुछ चेक कर लेना। एप्लीकेशन फ़ी की मैं डिस्कस करूँ तो इसमें एप्लीकेशन चार्ज अच्छा खासा लगने वाला है, 600 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, जो कि कोई भी रिफंड आपकी नहीं होने वाली है। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI कुछ भी कर सकते हो, जो कि 14 जुलाई से लेकर 28 जुलाई, यानी कि 14 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगी, स्टार्ट नहीं हुई है, 14 जुलाई से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है इसकी 28 जुलाई तक फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन फ़ी की डेट भी 28 जुलाई लास्ट डेट तक है। एप्लीकेशन जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही आपको अप्लाई करना होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि आजकल की डेट में एक्सपीरियंस काफ़ी कैंडिडेट लेकर बैठ चुके हैं। ओके गाइस, तो इस वैकेंसीज का एंजॉय कीजिए, डाउट होता है कहीं पर पूछिए, आपकी टोटली हेल्प की जाएगी और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। और इसके रिगार्डिंग बात करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करें, 3 साल की एक्सपीरियंस हालांकि ज़्यादा तो है, 1 साल का होता तो कहाँ भेजा है, 3 साल तो अप्रॉक्सीमेटली भी ज़्यादा है, फिर ये भी परमानेंट नहीं कर रही है तो ज़्यादा अफसोस ना करें। ओके गाइस, और इससे निकलेगी परमानेंट फ्रेशर्स के लिए, टेंशन मत लेना, कोचिंग शिपयार्ड निकालती रहती है। होपफुली गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अप्लाई करो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।